तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ T800 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच में फोटो कैसे लगाए, जैसे कि हमने लगा के रखा है वैसे। अगर आप भी इस तरीके से अपने स्मार्ट वॉच में फोटो लगाना चाहते हो तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप T800 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच में इस तरीके से फोटो कैसे लगा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस तरीके से फोटो लगाने के लिए आपको अपने स्मार्टफोन में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है जिससे आप अपने स्मार्ट वॉच को कनेक्ट कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको अपने फोन में प्ले स्टोर ओपन करना है और प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है हाई वॉच प्रो है नाम सर्च करना है और इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है अपने फोन में जिससे आप अपने मोबाइल को स्मार्टफोन से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हमने पहले से ही इंस्टॉल करके रखा है, आपको इंस्टॉल करना है। उसके बाद इस एप्लीकेशन को करना है ओपन। तो चलिए हमने पहले से इंस्टॉल किया है, इसको ओपन करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे एग्री पर क्लिक करना है, उसके बाद प्रोसेस होगा और यहाँ पे फिर से आपको एग्री पर क्लिक करना है। उसके बाद लोकेशन के लिए अलाउ करना है यहाँ पे, उसके बाद आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे सेट का ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद अभी आप देख सकते हो यहाँ पे डिसकनेक्ट है, स्मार्ट वॉच से कनेक्ट नहीं है। तो कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे बाइंड डिवाइस पर क्लिक करना है। ठीक है, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे स्कैन होगा, आपको वेट करना है। तो अभी आपका यहाँ पे स्कैन होगा कि आपका कौन सा स्मार्ट वॉच है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी यहाँ पे देख लीजिए, हमारा जो स्मार्ट वॉच होता है उसका नाम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब इस पर क्लिक करना है और ट्राई टू कनेक्ट इस तरीके से आएगा। अब स्मार्ट वॉच फोन से कनेक्ट हो जाएगा इस तरीके से, कंप्लीट 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 कंप्लीट। उसके बाद स्मार्ट वॉच फोन से कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे फोटो कैसे लगाना है, तो फोटो लगाने के लिए यहाँ पे सिंपल है, आपको यहाँ पे नीचे सेट पर क्लिक करना है। सेट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक डायल सेटिंग इस तरीके से नाम मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद काफी सारे वॉलपेपर्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे, जो भी आपको डिजाइन पसंद आता है उसको आप अपने फोटो को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। अगर हे पसंद आता है तो हे कर लीजिए, या फिर अगर आपको यहाँ पे करना है अपना फोटो सेट करना है, ठीक है, यानी कि अपना फोटो लगाना है यहाँ पे, या फिर कोई भी गैलरी में से जो भी फोटो आप लगाना चाहते हो, ठीक है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे नीचे जाना है। ठीक है, नीचे यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है इस तरीके से, कस्टम डायल। अब इसमें आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं हे वाले नीचे, तो इनमें से कोई भी एक को सेलेक्ट कर लीजिए। उसको सेलेक्ट करने के बाद आप इसमें अपना फोटो लगा सकते हो। ठीक है, तो हम इसको कोई एक को सेलेक्ट कर लेते हैं इसको। इसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट इमेज का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे जाके आप अपना कोई भी फोटो सेलेक्ट कर सकते हो, उसको स्मार्ट वॉच में लगा सकते हो। तो हम किसी एक फोटो को यहाँ पे आपके सामने लगा के देखते हैं, ये वाला। अब ये फोटो हमने सेलेक्ट किया है, अब इसको आप जूम इन जूम आउट इस तरीके से जैसे आपको यहाँ पे एडजस्ट करना है वैसे आप कर सकते हो। तो हम यहाँ पे इस तरीके से कुछ फोटो को एडजस्ट कर लेते हैं इस तरीके से। उसके बाद ऊपर एक टिक मार्क का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। टिक मार्क पर जब आप क्लिक करोगे फोटो को सेट करने के बाद, तो इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे साइड में दोस्तों जो आपका वॉच का यानी कि टाइमर का जो सेटिंग होता है, यानी कि आपका जो टाइम है वॉच का, वो आपको किस साइड होना चाहिए, आगे यानी कि ऊपर नीचे दाएं बाएं इस तरीके से। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो टाइमर अभी हमारा इस साइड है, तो हम ऊपर भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, इस तरीके से। तो जो भी आपको डिजाइन पसंद आता है उसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे नीचे इंस्टॉल पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद लोडिंग होगा और आपके सामने यहाँ पे प्रोसेस होगा, आपको वेट करना है। तो यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, हमको वेट करना है। उसके बाद आपका फोटो लग जाएगा, अब गो इट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस आपको 100% होने देना है। ठीक है, तो आपको वेट करना है, प्रोसेस होता है तब तक। तो यहाँ पे 100% कंप्लीट होने देना है, उसके बाद आपका फोटो अपने T800 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच में लग जाएगा। तो यहाँ पे हम प्रोसेस होने देते हैं, तब तक आपको वेट करना है। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो 100% हो चुका है, आपको कुछ देर वेट करना है, उसके बाद आपका फोटो अपने स्मार्ट वॉच में लग गया इस तरीके से। देख लीजिए फोटो स्मार्ट वॉच में इस तरीके से आप लगा सकते हो, जो भी फोटो आपको लगाना है वो T800 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच में। उम्मीद करता हूं कि आप सीख गए होंगे कि फोटो कैसे लगाते हैं। हम मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में।